क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास निकालना है। अच्छा ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया है तो पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे और जो त्रिज्या आएगा ना उसी का 2 गुना कर देंगे। ठीक है समझे ना बात को। चलिए 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया है, क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ना यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे 9 सेंटीमीटर बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसे मैं काट दूंगा 3 बार में और ये 3 पाई को उधर डिवाइड में ले जाऊंगा तो 48 पाई बटा में 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक ये सेंटीमीटर है यहाँ 2 है तो कट जाएगा। चलिए ये आप काटोगे कितना बार में कट जाएगा 16 बार में, यानी कि आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से त्रिज्या जो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो गई तो हमें व्यास निकालना है तो व्यास हमें पता है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास जो होता है 2 × r होता है यानी कि 2 गुना में 4 सेंटीमीटर यानी हमारा व्यास जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन।